ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, ब्रह्मचर्य एंड कृष्ण कॉन्शियसनेस के आधारभूत सिद्धांत पर। आधारभूत सिद्धांत हम जैसा डिस्कस कर रहे हैं इस कि किस प्रकार से हम अपने ब्रह्मचर्य को का व्रत का पालन कर पाए, और ब्रह्मचर्य व्रत टूटता है हमारे इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से और विशेष करके अपोजिट सेक्स के प्रति हमारे अट्रैक्शन से। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान होता है जब हम इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि हम अपने सीमन का नुकसान करते हैं, जिसको हिंदी में शुक्राणु भी कहते हैं, जो मेल बॉडी का एक वाइटल फ्लूड है। आप जानते हैं कि बहुत सारे हम जब खाना खाते हैं तो उसके बहुत सारे मतलब भोजन में से कुछ ही खून की बूंदें बन पाती हैं, और बहुत सारे खून की बूंदों से कुछ एक पार्टिकल ऑफ सीमन बनता है। तो ये इतना वाइटल पार्ट है हमारी बॉडी का, और सरप्राइजिंगली समाज में इसके प्रति कोई जागरूकता नहीं है। मॉडर्न सिविलाइजेशन इसी बात की ट्रेनिंग दे रही है कि कैसे सीमन को डिस्चार्ज किया जाए, कैसे इसको दक्षता से डिस्चार्ज किया जाए बाई हैविंग सेक्स इन डिफरेंट वेज, कैसे इस सेक्स की पावर को बढ़ाया जाए, कैसे इसकी ड्यूरेशन को बढ़ाया जाए। सो वो सीमन के डिस्चार्ज करने की जो नॉलेज है उसको पारंगत करना कर लेना चाहते हैं, ताकि सीमन को बहुत बढ़िया तरीके से डिस्चार्ज कर पाए, ताकि हमारे अंदर क्या हो, हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो सके, हमारी लस्ट की पूर्ति हो सके। वास्तव में जो व्यक्ति अपने सीमन को, शुक्राणु को अपने शरीर में बचा पाता है, यानी कि उसको यूजलेसली डिस्चार्ज नहीं करता, उस व्यक्ति के अंदर देखा गया है कि उसके अंदर दृढ़ता, उसके अंदर एक आशावादी होना, कॉन्फिडेंस होना, विल पावर, फिक्स्ड इंटेलिजेंस, ये कई सारे करेक्टरिस्टिक में बढ़ावा होता है। और न केवल ये, ऐसा देखा गया है कि जो व्यक्ति अपने सीमन को डिस्चार्ज नहीं करता है यूजलेसली, जो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, उसको हम ऊर्ध्व रेतसा कहते हैं। ऊर्ध्व रेतसा यानी कि जिसका सीमन ऊपर को जाता है, यानी कि सीमन अगर नीचे को नहीं जाता है, थ्रू हमारे जेनाइटल्स के थ्रू डिस्चार्ज नहीं होता है, तो ये ऊपर को जाता है। और ऐसा बोला जाता है कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड से जो रीढ़ की हड्डी के साथ जाती है सीधा ब्रेन में जाके ये ब्रेन को नरिश करता है। और कहते हैं कि जो व्यक्ति सीमन डिस्चार्ज नहीं करता है, उस व्यक्ति के अंदर एक अद्भुत शक्तियां आ जाती है, ओजस आ जाता है, तेज आ जाता है, और उसके अंदर स्पिरिचुअल चीजों को समझने के लिए, जो अदरवाइज बड़ा मुश्किल है, वो समझने की ताकत भी आ जाती है। ऐसा हमने देखा कुमारास जो थे, चार कुमार, उन्होंने कभी अपना सीमन डिस्चार्ज नहीं किया और उनका सीमन ऊपर को जाता था, इसलिए उतने बुद्धिमान, प्रखर बुद्धिमान बने कि सारे वेद शास्त्र सब चीजों के पारंगत बन गए छोटी अवस्था में ही। तो इस प्रकार से ऐसा साइंटिस्ट ने भी निकाल के देखा, साइंटिस्ट ने इस हमारे सीमन को जब इन्होंने एनालाइज किया तो पाया गया कि इसमें जो हार्मोन्स होते हैं, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, आयोन्स, एंजाइम्स, ट्रेस एलिमेंट और बहुत सारे और वाइटल सब्सटेंसेस होते हैं, जो कि बनाना शरीर बहुत सारी मेहनत के बाद शरीर में इसके पार्टिकल्स बनते हैं। और जब ये इतना पावरफुल होता है, आप जानते हैं, जब ये किसी स्त्री के ओवम से इसको मिलाया जाता है तो वहां पे एक नया शरीर बनने लगता है, इतना पावर इस सीमन के अंदर है। आजकल के डेट में कई सारे लोग सप्लीमेंट्स खाते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स, ताकि उनकी हेल्थ अच्छी हो सके। कई सारे ऐसे कैप्सूल्स, टॉनिक्स आते हैं जो कि हमें विटामिन, प्रोटीन इत्यादि दे पाए। इसका मुख्य कारण तभी पड़ता है जब हम लोग अपना सीमन डिस्चार्ज करते हैं यूजलेसली, तो हमारे शरीर में कई प्रकार की कमियां आने लगती हैं, जिसके कारण हमें फिर ये सप्लीमेंट्री टॉनिक लेने पड़ते हैं। वास्तव में इसकी जरूरत ही ना पड़े यदि हम अपने सीमन को बचा के रखें। तो बहुत अच्छा है, ये हमारी सीमन को डिस्चार्ज करने से न केवल हमारी फिजिकल प्रॉब्लम होती है, बल्कि हमारी चेतना गिरने लगती है कि नहीं। जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारी ब्रह्मचर्य का जो आधारभूत सिद्धांत ही यही है कि कैसे अपने सीमन को प्रोटेक्ट रखा जाए आर्टिफिशियल तरीके से नहीं, कैसे ऐसी इच्छाओं को कन्वर्ट किया जाए, और कैसे ऐसे लाइफस्टाइल बनाया जाए जिसमें हम लोग इसको यूजलेसली डिस्चार्ज नहीं कर रहे। तो
यही हम समझने का बात करेंगे कि किस प्रकार से यदि ये हमारे बॉडी से चला जाता है और बार बार अगर हमारी बॉडी से ये निकलता है तो बॉडी में कई सारी समस्याएं आ जाती हैं, बहुत सारे बीमारियां हो जाती हैं। प्रभुपाद ने भी बोला कि इफ यू इंजॉय इन यूथ मोर द मोर यू विल सफर इन द ओल्ड एज, क्योंकि अगर आप जवानी में इंजॉय करते हैं बाई डिस्चार्जिंग योर सीमन बाई एनी मीन्स, बाई हैविंग सेक्स और बाई मास्टरबेटिंग और एनीथिंग, तो उससे आपको बुढ़ापा आपका बहुत बुरा जाएगा, आपको बहुत सारी बीमारियां लग जाएंगी, आपके अंदर दृढ़ता समाप्त हो जाएगी, एक फोकस चला जाएगा और स्पिरिचुअल चीजों को समझने की शक्ति चली जाएगी। इसलिए ह्यूमन के अंदर अगर हायर कॉन्शियसनेस, जो हम बात करते हैं स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है, तो उसके लिए बड़ा जरूरी है कि हम अपने सीमन को यूजलेसली या सीमन को डिस्चार्ज ही ना करें, समहाउ उसको बॉडी के अंदर ही प्रोटेक्ट करके रखें। अगर व्यक्ति अपना सीमन डिस्चार्ज करता है तो ऐसा देखा गया कि वो बहुत ही लस्टी बन जाता है, न केवल वो लस्टी बन जाता है बल्कि उसकी लोअर स्पीशीज ऑफ लाइफ में भी चला जाता है, क्योंकि जानवरों में ये प्रकृति पाई जाती है, हम देखते हैं डॉग्स में और बाकी में, वो दे आर ऑलवेज रेडी टू डिस्चार्ज देयर सीमन इन अ बिच। तो जानवरों में जैसे हम बंदर को भी देखते हैं, एनी टाइम दे आर रेडी टू डिस्चार्ज, बट ह्यूमन के अंदर अगर ह्यूमन भी ऐसे करने लगते हैं तो लस्टी बन जाते हैं, उनके अंदर लस्ट बढ़ जाती है, लस्ट सेटिस्फाई नहीं होती, आदमी लस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए सीमन डिस्चार्ज करता है और उससे लस्ट और ज्यादा भड़क के आती है, फिर वो और ज्यादा सीमन डिस्चार्ज करता है और इस प्रकार से वो निचली योनियों में अगले जीवन में चला जाता है। और इस योनि के अंदर उसकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ बहुत गिर जाती है, तो बड़ा इसके लिए ध्यान रखने की आवश्यकता है। कई बार लोग आजकल इसीलिए धीरे धीरे जैसे उनकी ओल्ड एज आने लगती है, क्योंकि ओल्ड एज आने तक तो बल्कि जवानी में ही 30-40 साल की एज में ही आदमी इतना सीमन डिस्चार्ज कर चुका होता है कि उसकी बॉडी प्री मेच्योर ओल्ड एज में आ जाती है, यानी कि ओल्ड एज आने से पहले ही बूढ़ी हो जाती है। और फिर लोग कई सारे पिल्स एंड इंटॉक्सिकेशन लेते हैं, लेकिन वो सब नकली तरीके हैं, आर्टिफिशियल तरीके हैं और इससे हमारी कई सारी हमें बीमारियां हो जाती है। तो इसके लिए ध्यान रखना चाहिए। प्रभुपाद ने यहां तक ये भी बोला कि वेस्टिंग सीमन इज लाइक वेस्ट इज लाइक इलिसिट सेक्स। इलिसिट सेक्स केवल किसी दूसरी स्त्री के साथ गलत संबंध बनाना नहीं है, वास्तव में इलिसिट सेक्स क्या है, जब हम अपना सीमन को वेस्ट करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, तो वो भी इलिसिट सेक्स माना जाता है, वो भी ब्रेकिंग द फोर्थ प्रिंसिपल माना जाता है। और आप जानते हैं कि जब व्यक्ति इसको अपने बॉडी से इस प्रकार से डिस्चार्ज नहीं करता इंद्रिय तृप्ति के लिए और इसको प्रोटेक्ट करके रखता है, तो व्यक्ति अपनी आयु और स्वास्थ्य दोनों बढ़ा सकता है। ऐसा हम देखते हैं शास्त्रों में, कई सारे ऐसे योगी हुए जिन्होंने टोटली अपने सीमन को कंट्रोल करके रखा और वो ऊर्ध्व रेतसा बने, यानी कि ऊपर को उनका फ्लो किया सीमन बजाय नीचे को, तो उन्होंने अपनी आयु को 700-800 साल तक बढ़ा लिया। तो इस प्रकार से इतना इसका इम्पैक्ट है हमारे शरीर पर और हमारी चेतना पर। बट आजकल जो हमें नॉलेज मिली है, जो हमें ट्रेनिंग मिली है, वो इसी की मिली है कि कैसे इसको डिस्चार्ज किया जाए। मैंने यहां तक सुना है रेडियो चैनल्स में इत्यादि में कई कोई यूथ जो हैं इस आदत से बहुत परेशान होते हैं कई बार, और वो पूछते हैं कि कैसे इस आदत को छुटकारा जाए, बहुत हमें फ्रस्ट्रेशन होती है, हम कहाँ फंस गए। तो मैंने लोगों को ऐसा बोलते हुए दिखा है कि देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम इन डिस्चार्जिंग इट बाई मास्टरबेटिंग और एनीवे, आप एक गिलास नींबू पानी पी लीजिए, एक गिलास दूध पी लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं बताते हैं। सो ऑल ट्रेनिंग इज लाइक कैसे इसको अच्छे तरीके से डिस्चार्ज किया जाए। तो ऐसी स्थिति में कैसे इससे बचे, जब चारों तरफ इसी बात की ट्रेनिंग मिल रही है, लोग इसी बात में परफेक्शन हासिल कर रहे हैं, कैसे सेक्स की ड्यूरेशन को बढ़ाया जाए, कैसे परफेक्टली इसको डिस्चार्ज किया जाए, वेरी बैड एटमोसफेयर। तो यहाँ पर हम सुनेंगे कुछ तरीके, कुछ मेंटल कुछ फिजिकल। तो पहला तो है माइंड का गेम कि डोंट थिंक ऑफ वुमन। जब जब आप वुमन के बारे में सोचेंगे तब तब ये समस्या आपके सामने आएगी। जब जब हम किसी स्त्री के बारे में सोचेंगे तो उस स्त्री को भोगने की इच्छा होगी, उसी तरह के विचार आएंगे, या तो हम अगर हमने संभव ड्यूरिंग द डे कंट्रोल कर भी लिया, ड्यूरिंग द नाइट उसके विचार आएंगे, वही सपने आएंगे और वो सीमन डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि हमारा ओवरऑल करेक्टर ही वैसा हो चुका होगा। और ड्यूरिंग द डे भी हम अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, जब उसके बारे में सोचते रहेंगे किसी स्त्री को एंजॉय करने के बारे में,
तो हमारा सीमन डिस्चार्ज हो ही जाएगा। कई बार हम स्त्री के बारे में सोचते तब है जब हम कुछ गंदा देख लेते हैं, इसलिए पहली स्टेप तो यही है कि अपने मोबाइल में एडवर्टीजमेंट्स, गलत मूवीज, कोई भी ऐसी चीज ना देखें। कोई न्यूज चैनल में कई बार बहुत सारी चीजें आती है, आपने एक सिंपल न्यूज चैनल खोला है, आपने सिंपली वेदर फोरकास्ट खोला है, उसके अंदर भी ऐसी ऐसी फोटोज आ जाती है, इसलिए इट इज वेरी डेंजरस। पहला गंदगी यहीं से आती है, देखने से। किसी तरह से हम कोई गलत जोक ना सुने, कोई गलत सीन ना देख लें, क्योंकि उसके बाद हमारे विचार चालू हो जाते हैं, और जब विचार चालू हो जाते हैं तो उसके बाद भोगने की इच्छा बढ़ती जाती है, आसक्ति बढ़ती जाती है, और अल्टीमेटली हम इस स्थिति पे आ जाते हैं कि हम बिना सीमन डिस्चार्ज करे रह ही नहीं पाते। तो ये तो था पहला। इसके अलावा अगर हम इसको नहीं कर पा रहे हैं फिलहाल, या कर पा रहे हैं बट फिर भी ऐसा हो रहा है कि हमारे से सीमन डिस्चार्ज हो ही जा रहा है, चाहे रात में, चाहे कई बार सोते हुए भी अपने आप ही हो जाता है, जिसके ऊपर वास्तव में हमारा कंट्रोल नहीं है, सोते हुए जब हमसे, जिसको हम नाइट फॉल भी कहते हैं, नॉक्टूरल डिस्चार्ज भी कहते हैं, तो उसके लिए भी हमें कुछ सोचना पड़ेगा, उसके लिए भी हम कुछ तरीके अपना सकते हैं। हाँ, तो सबसे पहले अगर हम इसको डिस्कस करें तो है कि बॉडी में जब हीट एक्सेसिव जनरेट होती है तब हमारा सीमन डिस्चार्ज होता है। बॉडी इसको कहते हैं पित्त, आयुर्वेदिक नॉलेज के हिसाब से पित्त कहा जाता है। तो जब हम बहुत ही ज्यादा रजोगुणी खाना खाते हैं, जैसे बहुत ही ज्यादा मिर्ची वाला खाना, बहुत ही ज्यादा मसालेदार खाना, इस प्रकार बहुत ज्यादा खट्टा खा लेना, तो इस प्रकार से जब हम इस प्रकार का खाना खाते हैं, तो राजसी खाना कहते हैं, तो उससे हमारी बॉडी पर ये सीमन डिस्चार्ज होता है, प्रेशर पड़ता है। तो एक तो हो गया राजसी खाना, इसको अवॉइड करें, बहुत ज्यादा तीखा मसालेदार ऐसा खाने को अवॉइड करें। उसके अलावा है ज्यादा खाना। ज्यादा खाने से क्या समस्या होती है, दो प्रकार की समस्या होती है। ज्यादा खाने से एक तो हमारे शरीर में एनर्जी क्रिएट ज्यादा होती है, अब जब वो एनर्जी हमारी यूज नहीं हो पाती किसी चीज में, तो वो सेमिनल डिस्चार्ज के थ्रू निकल जाती है, क्योंकि उससे एक्सेस सीमन और एक्सेस एनर्जी जनरेट होती है, क्योंकि हम यूटिलाइज नहीं कर पाते। उसके अलावा जब हम ओवर ईटिंग करते हैं तो हमारा जो बेली है वो भरी होती है, वो प्रेशर डालती है हमारे निचले पार्ट्स में बॉडी के, विच आर जेनिटल्स एंड एनस, उस पे प्रेशर के कारण भी यदि हम रात को हम ज्यादा खा के सोते हैं या राजसी खा के सोते हैं खासतौर पर, तो उससे क्या होता है, हमारा सीमन डिस्चार्ज होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जब हम सो रहे हो तो हमारी बेली एकदम सही खाली होनी चाहिए, यानी कि खाना खाने के कम 3 घंटे बाद ही आपको सोना चाहिए, यानी कि खाना हम लोगों को 6 बजे से पहले खा ही लेना चाहिए कायदे से। वैसे भी आयुर्वेद के हिसाब से सूर्यास्त के से पहले हमें प्रसाद पा लेना चाहिए, और कभी भी बेली को हैवी करके बेली नहीं सोना चाहिए। अगर आपको हैवीनेस महसूस भी हो रही है तो आप टॉयलेट जा सकते हैं, नहा भी सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है सतोगुणी में इस प्रकार से नहाना। और खाना, रात का खाना एकदम लाइट होना चाहिए, इजीली डाइजेस्टेबल होना चाहिए। कई बार हम एकदम से दूध पीते हैं सो जाते हैं, इसको बिल्कुल मना करा गया है। दूध पीने के भी कम से कम आधा एक घंटा बाद कम से कम आपको सोना चाहिए, क्योंकि उसमें भी हैवी प्रोटीन्स होते हैं, एनिमल प्रोटीन होता है, तो वो भी एकदम से हजम नहीं होता है। और इस तरह के कोई भी खाना, जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स, हैवी मिल्क, जैसे रबड़ी हो गई, जिसमें हैवी जो है ना मावा या मलाई, या ऐसी चीजें रात को नहीं खानी चाहिए। बहुत मीठी चीज नहीं खानी चाहिए, बहुत खट्टी चीज, खट्टे फ्रूट्स जैसे कि एसिडिक फ्रूट्स एंड योगर्ट, ऐसी चीज भी हमें रात को नहीं खानी चाहिए। तो रात का खाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम दिन में तो अपने विचारों पर किसी तरह कंट्रोल कर लें, लेकिन जब सो जाते हैं तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता हमारे विचारों के ऊपर। उस वक्त यदि हमने ये एहतियात नहीं बरती होंगी तो हमारा सीमन डिस्चार्ज हो जाएगा, उससे हमारा वाइटल लॉस होगा, सारी हमारी एनर्जी, सारी हमारा योग शक्ति, बुद्धि, दृढ़ता कम होगी, बीमारियां बढ़ेगी। तो उसके अलावा कुछ खाने ऐसे हैं, कुछ खाना ऐसा है जो सीमन को पतला करता है, उसको भी हमें कोशिश करना चाहिए कि बहुत ज्यादा ना खाएं, एटलीस्ट रात को ना खाएं। जैसे बैगन, खासतौर पर बैगन का जो छिलका है उसके लिए बोला जाता है। ग्रीन चिलीज, अगर आप बहुत ज्यादा ग्रीन चिली खाते हैं, ग्रीन चिली खाने की जरूरत ही नहीं अलग से देखा जाए तो। और कहते हैं कि कई सारे प्रांतों में, जैसे श्री संप्रदाय में, श्री वैष्णव संप्रदाय में कुछ चीजें के लिए बोलते हैं वो लोग, जिनमें की चिली है, उसके अलावा मिर्च है, मिर्च, लाल मिर्च तो हम भी नहीं खाते, लेकिन हरी मिर्च भी, ऐसा नहीं कि हरी मिर्च इज अलाउड एंड कितनी भी खाई जा सकती है। उसके बाद इमली है, और है ड्रम स्टिक्स, लंबे लंबे ऐसे स्टिक्स होते हैं जो सांभर में भी डलते हैं। ये चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए, खास तौर पे रात को इन चीजों को हम अवॉइड करें। तो ये खाने के जो एहतियात हैं ये मैंने आपको बताए रात को खाने के, इवन दिन में भी हम राजसी खाना ना खाएं,
इस पे हम फोकस करें, सात्विक खाना खाएं, सिंपल खाएं और लिमिटेड खाएं, ज्यादा ना खाएं। तो ये सब हमने सुना, इससे हम अपना कंट्रोल कर सकते हैं इस प्रेशर को जो सेमिनल डिस्चार्ज के ऊपर प्रेशर पड़ता है। उसके अलावा आता है सोने की बात, तो हमें कम से कम 6 घंटे सोना चाहिए, और बल्कि ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे सोना चाहिए, या ये कहिए 6 घंटे से ना तो कम ना ज्यादा, दिस इज अ परफेक्ट स्लीप। ध्यान रखिए, जब आप नींद से, जब आपको प्रॉपर नींद नहीं आ रही है, जब ज्यादा सो रहे हैं, आप देखेंगे हमें जनरली हमारा जो हमारे जो लस्टी फीलिंग्स आएगी, जब हम जरूरत से ज्यादा सोएंगे तो हमारे सपने भी बुरे बुरे आने लगते हैं। आप देखेंगे जब लॉन्ग आवर्स आप सोते हैं, तो ये खासतौर पर ब्रह्म मुहूर्त के बाद यदि आप सोते हैं तो आपके सपने अच्छे नहीं आएंगे, उस वक्त बहुत ज्यादा चांस होता है कि सेमिनल डिस्चार्ज हमारा हो जाए। उसी प्रकार से हमें आफ्टरनून संध्या मतलब में और शाम को डस्क के टाइम सूर्यास्त के समय बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, इस पर बड़ा ध्यान रखा जाए, क्योंकि सोने से हमारे अंदर लस्टी फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं, गलत तरीके से सोने से, जैसे कि हम उल्टे होके कभी नहीं सोना, पेट के बल कभी नहीं सोना चाहिए, इससे जनाइटल जो है हमारा पेनिस है उस पर प्रेशर पड़ता है सोते सोते, और प्रेशर पड़ने से वो डिस्चार्ज कर देता है सीमन को। तो उल्टा नहीं सोना चाहिए दिन में, संध्या के समय शाम को, और सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के समय बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, ये सोने का बड़ा है, और ज्यादा नहीं सोना चाहिए। यदि आप 6 घंटे से ज्यादा सोते हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर कुछ ऐसे ड्रीम्स आएंगे जिससे सेमिनल डिस्चार्ज हो पाएगा। तो बिल्कुल नपातुला सोना, और सोने का एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए कि बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस ना हो रही हो। आप सो रहे हैं और रात में एकदम से कोई डिस्टर्बेंस आ गई, आपकी नींद खुल गई, और जब आपकी नींद खुलती है तो उस वक्त आप जब सोते हैं तब बड़ा चांस हो जाता है सेमिनल डिस्चार्ज का, क्योंकि उस वक्त फिर से सपने आने लगते हैं। जितनी ज्यादा डीप स्लीप होगी, आप थके हुए होंगे, तो आपको ड्रीम्स कम आते हैं और सेमिनल डिस्चार्ज होने के चांसेस नहीं रहते हैं। उसके अलावा हम जब सोते हैं तो जैसे मैंने बताया कि सोने के लिए हम पीठ के बल सोएं, और हमारे हाथ जो है जेनाइटल्स, कई लोग हाथ जेनाइटल्स के अंदर पजामे के अंदर डाल के सोते हैं, दिस इज वेरी बैड हैबिट एक्चुअली, इस तरह से नहीं करना चाहिए। बिल्कुल हमारे हाथ फ्री होने चाहिए, और हम जब सोएं तो हमारा जो ब्लैडर है यानी कि यूरिन को अच्छी तरह से पास करके, अगर प्रेशर आ रहा है तो टॉयलेट जाना है, स्टूल पास करना है, तो वो भी करा के यूरिन को पास करके पैर को धो के हाथ को धो के फिर हमें सोना चाहिए, वरना फिर से वही प्रेशर पड़ेगा और बुरे सपने आएंगे। उसके अलावा एक और रीजन है नाइट में खासतौर पर होने का सेमिनल डिस्चार्ज, वो है हमारी कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, जब हमें स्टूल ठीक से पास नहीं होता है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। हम लोग रेगुलरली त्रिफला यूज कर सकते हैं, ये बड़ी अच्छी आयुर्वेदिक चीज है, नेचुरल है। रात को सोने से पहले कई लोग गर्म पानी में थोड़ा सा त्रिफला लेके सोते हैं, इससे आपको सवेरे एकदम बढ़िया से आपका प्रेशर रिलीज होता है, रात्रि में भी पेट धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है, और उसके वो भी हमारा, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन से क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन से जो हमारे अंदर मल है बाहर नहीं निकल पा रहा है, वो अंदर ही भरा है, और वो अंदर ही पित्त पैदा कर रहा है यानी कि हीट जनरेट कर रहा है, और वो हीट जो है प्रेशर डाल रही है हमारे इन अंगों के ऊपर कहीं ना कहीं, तो उससे सेमिनल डिस्चार्ज हो जाता है। इसलिए जितना ज्यादा ये सिस्टम क्लीन होगा हमारा, उतना ये प्रेशर कम होगा। ओके, नेक्स्ट थिंग, तो हमने डिस्कस किया खाने के ऊपर, सोने के ऊपर, और अब हम डिस्कस करते हैं, फिर हमने डिस्कस किया कॉन्स्टिपेशन, फिर हम डिस्कस करते हैं अब नहाने के ऊपर। तो नहाने के लिए ऐसा बोला जाता है कि बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहाना, क्योंकि जितना आप गर्मी पैदा करेंगे ना बेसिकली शरीर के अंदर, जितना गर्म चीजें खाएंगे है ना, कई बार ऐसी कई सारे गर्म मसाले और कई सारे ड्राई फ्रूट्स, कई बार आप बहुत सारे खा लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी अंदर गर्मी पैदा करते हैं, तो जितनी गर्मी ज्यादा पैदा होगी उतना ज्यादा प्रेशर होगा सेमिनल डिस्चार्ज का, ध्यान रखिए। इसलिए गर्म पानी से नहाने से भी, हम ये बोलते हैं कि गर्म पानी से अगर आपको नहाना भी है तो थोड़ा सा बाद में एंड में ठंडा पानी जरूर डालिए, या फ्रेश वाटर, जिससे बॉडी फिर से कूल हो जाएगी, क्योंकि गर्म पानी से कई बार हम क्लीन हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ठंडे पानी से क्लीननेस नहीं आ पाती है मैल वगैरह में, तो यदि गर्म पानी से नहा रहे हैं तो फिर अपने ऊपर ठंडा पानी, ठंडा मतलब फ्रेश पानी डाल लें, ताकि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। उसके बाद अपने जेनाइटल जो है, जहां से हम मल त्यागते हैं या मूत्र त्यागते हैं, वहां पर ठंडा पानी डालना चाहिए, उस इस एरिया को ज्यादा से ज्यादा कूल रखना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि जब भी हम यूरिन पास करें तो उसके बाद भी अपने पेनिस को धो लेना चाहिए पानी से, तो इस प्रकार से उस जगह में जो यूरिक एसिड इकट्ठा हो जाता है मूत्र त्यागने की जगह पर, वो हमारे अगेन सेमिनल डिस्चार्ज का कारण बनता है, वो एजिटेशन पैदा करता है। तो ये नहाने और सफाई से रिलेटेड था। फिर से आते हैं अब एकादशी के ऊपर। एक और तरीका है कि हम एकादशी में कोशिश करें अधिक से अधिक फास्टिंग करें, ये बहुत अच्छा है ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए।
सेमिनल डिस्चार्ज को कंट्रोल करने के लिए। तो एकादशी कोशिश करें कि कम से कम खाएं या फलों पे ही रहें, लिमिटेड चीज खाएं, पल पेट को खाली रहने, एक दिन हमारा सिस्टम ठीक हो पाए, ऐसे कोशिश करनी चाहिए। एक और चीज कहते हैं कि इसको यूज करने के लिए, वो है मुलाइटी। मुलाइटी का, मुलाइटी की लकड़ी, नॉट मुलाइटी पाउडर, नेचुरल लकड़ी जो आती है, थोड़ी सी अगर हम खाएं वो हमारे गले के लिए भी सही रहती है, और कहते हैं कि वो सेमिनल डिस्चार्ज में हेल्प करती है। ओके, कुछ और चीजें हैं, बॉडी लैंग्वेज। एक बार प्रभुपाद जब अक्सर देखते थे, अगर कई बार हम पैर के ऊपर पैर रख देते हैं ना ऐसे क्रॉस करके और ऐसे हिलाते हैं, तो प्रभुपाद जब इस तरह से देखते थे तो एकदम से टोक देते थे। वो कहते हैं ये हमारे माइंड को एजिटेट करता है, और ये भी एक तरह से जेनाइटल्स को एजिटेट करता है, इस तरह की एक्टिविटीज एजिटेट करती है। एक बार प्रभुपाद ने बोला अपने शिष्यों के सामने कि अगर आप 25 साल तक अपने सीमन को डिस्चार्ज होने से रोक लो, संभव डिस्चार्ज ही ना करो किसी तरह से, तो आपके जो ब्रेन है वो परफेक्ट हो जाएगा स्पिरिचुअलाइजेशन के लिए। फिर प्रभुपाद ने सबको देखा, सबके मुंह लटक गए, क्योंकि कोई ऐसा था ही नहीं जिसने ऐसा किया हो। विदेशों में ऐसा कल्चर है कि बहुत जल्दी आदमी इन चीजों में फंस जाता है। तो प्रभुपाद बाद में हंसे और बोले, डोंट वरी, इफ यू चैंट हरे कृष्णा एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो सबको थोड़ा, क्योंकि जो भी है, अब जो भी हमारे साथ बीत चुका है उसके बारे में क्या डिस्कस करें, बट एटलीस्ट आगे हम ध्यान रखें। और सेमिनल डिस्चार्ज का एक और कारण, या ऐसी इच्छाएं होना कि हम मास्टरबेट करें, इसका एक बहुत बड़ा कारण है खाना। खाना मतलब किसके हाथ का खाना। कई बार हम ऐसे व्यक्ति का हाथ का खाना खा लेते हैं जिसके अंदर लस्टी डिजायर्स है। ध्यान रखें, जब भी हम ऐसा करेंगे तो हमारे अंदर भी इसी तरह के डिजायर्स आएंगे। इसलिए खाना किसके हाथ का खाएं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके अलावा अब बात करते हैं इस बारे में कि हमारा ये सब करने के बाद भी मेंटल, हमने किसी स्थिति के बारे में नहीं सोचा, हमने कहीं देखा नहीं, हमने खाने का, सोने का, नहाने का, किसके हाथ का खा रहे हैं वो सब देख लिया, त्रिफला खा लिया, कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर लिया, स्लीप भी ठीक कर ली, लेकिन फिर भी हमारा गलती से नाइट में एटलीस्ट हमारा सेमिनल डिस्चार्ज हो गया, तब क्या करें। तब हमने यही सुना श्रील प्रभुपाद के कई सारे उसमें और सीनियर वैष्णव के, कि वो अब हमारे हाथ में नहीं है, हमने सब प्रयास किए, हम अपना रिवील करते रहेंगे अपने सीनियर्स को कि ऐसा हो गया, और उसके बाद जो होगा उसको भगवान पे छोड़ेंगे। और हम क्या करेंगे, बेसिकली हम हरे कृष्णा चैंट करेंगे, स्नान करेंगे। देखिए, जब भी सेमिनल डिस्चार्ज हो उसके बाद भी हमें स्नान जरूर करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे कंटामिनेशन आई थी। बट ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हमारा अगर गलती से नाइट में सेमिनल डिस्चार्ज हो गया तो हम फॉलन हो गए, डिस्क्वालिफाइड हो गए। नो, देर इज नो डिस्क्वालिफिकेशन। ध्यान रखना चाहिए, भक्त जो है एक्सीडेंटल जो उसके जीवन में चीजें हो जाती हैं उनके प्रति हमेशा उनसे अलग रहता है। वो तो एक्सीडेंटल कुछ हो गया, हमारी गलती नहीं है, हमने ना तो ऐसा कुछ देखा ना सुना, बट पुराने जो हमने कर्म किए हैं, पुराना इतना सेमिनल डिस्चार्ज किया है हमने भक्ति में आने से पहले, या गलती से किसी गलत संगत में आके, कि अब बॉडी को भी आदत हो गई है, थोड़े दिनों बाद वो अपने आप ही डिस्चार्ज कर देता है। तो इसके लिए भगवान से प्रे कीजिए और भक्ति सीरियसली कीजिए, मॉर्निंग साधना को ठीक से कीजिए, अपने भक्ति के स्टेप को बहुत अच्छे से निभाइए, ऐसा करना चाहिए। और यस, अल्टीमेटली कृष्णा इज द प्रोटेक्टर, वही प्रोटेक्ट करते हैं, उनसे प्रे करना चाहिए कि मम माया दुरत्य, ओ कृष्णा प्लीज सेव मी फ्रॉम दिस माया, बिकॉज आई वांट टू प्रोटेक्ट माई सीमन नाउ, सो दैट आई कैन, मैं अपने ब्रेन को नरिश कर पाऊँ स्पिरिचुअलाइजेशन के लिए। तो सारी चीजें बड़ी जरूरी हैं, हमारा सोच जो हमने शुरुआत में बोला, पहले तो ये जानना कि ये कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का, इसके लूज होने से कितने सारी बीमारियां, कितनी सारी चीजें हो सकती हैं, और कैसे हम अपने विचारों को ठीक करें ताकि इस तरह के विचार ना आए, कैसे हम प्रसाद पाएं, कितना पाएं, कैसे सोएं, क्या खाएं, कैसे सफाई करें। और हाँ, एक और चीज, हम लोग योगा कर सकते हैं, नियमित योगा। देखिए, योगा करने से, इन सब चीजों के फिट रहने से ना आदमी थोड़ा एक्टिव रहता है, थोड़ा एक्टिव रहता है। हमें जिम जाने को नहीं कह रहे, क्योंकि जिम जाने से अगेन बॉडी की हीट बढ़ती है, उससे फिर पित्त बढ़ता है और फिर सेमिनल डिस्चार्ज होता है और हमारे अंदर पैशन भी क्रिएट होता है। योगा बड़ी सौम्य, बड़ी सरल होती है, आराम से स्ट्रेचिंग और खींच, थोड़ा सा हम बॉडी को ट्विस्ट करते हैं, इससे बॉडी थोड़ी सी एक्टिव रहती है और लस्टी और लेजी नहीं बनती, क्योंकि लेजीनेस से ही लस्टीनेस आती है, अक्सर देखा गया है। जैसे हमने बोला, ज्यादा सोने से इसकी चांसेस रहते हैं, तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। बट इन इन ऑल इन समरी, somehow try to protect this vital fluid in your body, which is very important. Don't waste it in sense enjoyment. इसको sense enjoyment waste मत कीजिए, इसको body में protect कीजिए, ताकि हम कृष्ण भावना में इतना अग्रसर हो सके।
ठीक है, तो हम आज यही समाप्त करते हैं। शुभ प्रभात की जय। हरे कृष्ण।